नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉम्बे स्टाइल का पोहा। रेसिपी के लिए ये पोहा है और ये 200 ग्राम पोहा है और ये आलू है। आलू छोटा पीस काट के रखा हुआ है, ये ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डाल सकते हैं। ये मटर है और ये प्याज कटे हुए, ये टमाटर और ये पोहा का मसाला है, ये हरी मिर्च, धनिया, जीरा, सरसों, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार रखा है और एक चम्मच चीनी रखी हुई है, नींबू, नींबू का जूस है ये, और ये सेव, ये मूंगफली और कड़ी पत्ता इतना चाहिए। सबसे पहले हम ऑयल डाल रही हूँ और ये 4-5 चम्मच है और आपको ना ऑयल कम डालना है तो कम डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, उसके अंदर सरसों डाल रही हूँ। सरसों के बाद थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद कटे हुए 2 प्याज देंगे, प्याज को डाल रहे हैं, अच्छी तरह भुनना है इसको। अब है हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, 4-5 हरी मिर्च काट के रखा हुआ था। ये भी आप लोगों को ज़्यादा तेज चाहिए तो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। प्याज भुनना शुरू हो गया है, इसके अंदर में कटे हुए 1 आलू है उसको डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आलू और मटर आप लोगों को पसंद है तो ही डालना, नहीं है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर में 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसके अंदर में कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अब हल्दी 1 चम्मच, ये पोहे का मसाला है वो डाल दिया है 1 चम्मच, इसको अच्छी तरीके से हिलाना है। अब ये रोस्टेड मूंगफली है, इसको डाल रही हूँ मैं। टमाटर ये भी ऑप्शनल है, मैं डाल रही हूँ और एक टमाटर मैं काट के रखा हुआ था, इसको भी डाल के अब पोहा डालेंगे। ये पोहा अच्छी तरीके से साफ करके छन्नी में छान के रखा हुआ है, अब इसको मैं धीरे धीरे इसके अंदर डाल रही हूँ। एक चम्मच चीनी इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से इसको मिलाना है। अब ऊपर से मैं 1 चम्मच और नमक डाल रही हूँ, नमक थोड़ा सा कम है और आप लोग हमेशा टेस्ट देख के किया करो। और धनिया का पत्ता डाल दिया है मैंने। अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर रही हूँ और उसके बाद ये नींबू का रस इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। थोड़ी सी सेव अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये एकदम ये तैयार हो गया है, अब इसको सर्व कर रही हूँ मैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए हो, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिए और आपको ये पसंद आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।